name? Honorable, most respected and pride for Pakistan and UNESCO, our chief guest, Madam Patricia McPhillips, Honorable Commissioner Lahore, my dear respected guests, ladies and gentlemen, it was good morning, but now it's good afternoon. Assalamu alaikum to all of you. Let me first appreciate Madam Patricia. Really, through this initiative, you have not only won the hearts of the people of Lahore and especially Punjab. I'm glad to, on behalf of Chief Minister of Pakistan, to welcome you in the City of Flowers, a city that is not only holding a rich culture, but also warm welcome the way you were really invited to stage. It was a clear indication that how people of Lahore and people of Punjab, they really pay respect to those who really contribute something for them and for the generation to come. Let me really appreciate your gesture of goodwill, that you have not only represented UNESCO here, but you are the true ambassador of Pakistan, because this is the right time that we should dispel the negative face of Pakistan and we should promote the positive image of Pakistan across the world, across the globe, and you is the best person really to fulfill that assignment, and you are the one who will really connect the hearts of people of Lahore and people of Punjab across the globe. I appreciate your this support, your role and your contribution. Thank you so much once again. Khawateen o Hazrat, aaj ka din ahliyane Lahore jo yahan maujood hain, main agar fun se jude fankaron ka zikr karun, main yahan सकाफत के साथ जुड़े उन रंगों का ज़िक्र करूं, मैं यहाँ लाहौर के बागात और यहाँ तारीखी मकामात का ज़िक्र करूं, तो हर नज़र से, हर सोच से, हर एंगल से मुझे लाहौर शहर जो है वो बाकमाल शहर नज़र आता है, और एक ऐसा शहर जहाँ ना सिर्फ औलिया के मज़ार हैं, यहाँ मकबरे और हमारी सकाफत के साथ जुड़े जो सकाफती विरसे हैं वो भी दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। लिहाजा लाहौर की तारीफ जो है वो काबिले तारीफ है, और जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो मैं वज़ीरे आला उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से आप सब को फूलों के शहर, इस अदब के बा अदब बा मुलहजा शहर के अंदर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। और मैं चूँकि आज जो हमारी डायरेक्टर साहिबा यूनेस्को की यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये एक सिर्फ लाहौर को आर्ट के साथ जोड़ने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि ये लाहौर के शहरियों के दिलों को बैन अल-अक़वामी फोरम्स के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और मैं ये समझती हूँ कि लाहौर जो है दुनिया भर में एक अपना यूनिक तारफ रखता है, और इस शहर ने हमेशा दुनिया के अंदर हर लिहाज से
अपनी सलाह हितों का लोहा मनवाया, लेकिन आज का दिन इस हवाले से अहम दिन है कि आज प्रैक्टिकली ऑफिशियली आपका वो किरदार जो असल लाहौरियों का तारफ था, जो लाहौर के सकाफती विरसे, जो लाहौर का अदब, जो लाहौर की सियासत तो चल रही थी यहाँ, सहाफत का जो रोल रहा, वो आज यूनेस्को के ज़रिए सर्टिफाइड होने जा रहा है। और आज का दिन इस हवाले से भी अहम है कि हमारे आज वजह तहलीके कायनात नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, हम सब की ख़वातीन की जन्नत की सरदार, आज उनका यौम वलादत बासआदत भी है। और मैं आज के इस अहम मौके पे आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि आज जहाँ लाहौर का ज़िक्र हो रहा है और हमारे नामवर शख्सियात का जिन्होंने दुनिया में अपना नाम लाहौर के ज़रिए पैदा किया, इस शहर का अगर हम शाही किले का ज़िक्र करें, बादशाही मस्जिद की बात करें, शालीमार बाग हो, मज़ारात और मकबरे, ये वो सारे मकामात हैं जो हमेशा सियाहों के लिए पुरकशिश रहे हैं। इस शहर से सियासत, सकाफत, अदब और सहाफत का जो चोली दामन का साथ रहा, वहाँ औलिया कराम ने हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लिल आलमीन और हज़रत बीबी पाक दामना, जो एक हमारा तसव्वुफ से जुड़ा औलिया कराम का दर्स और इंटरफेथ खामी और इंसानियत के साथ जुड़ा एक इस्लाम का हकीकी चेहरा, तशख़्ुस और वक़ार और लाहौर की तहजीब को ज़िंदा रखने में इन शख्सियात ने जो किरदार अदा किया, वो भी तारीख के सुनहरी हरूफ में मौजूद है। लाहौर को यूनेस्को की तरफ से सिटी ऑफ लिटरेचर करार देना ना सिर्फ हम सब के लिए प्राइड है, बल्कि मुझे ये जान के खुशी हुई है कि लाहौर पाकिस्तान का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर होने का एजाज़ हासिल करने जा रहा है। लाहौर के अदबी मेले, मुशायरे और दीगर अदबी तकरीबात जो हैं, वो आलमी सतह पर ना सिर्फ उनको सराहा जाता है, बल्कि अब वक्त आ गया है कि आज की इस तकरीब में जितने मैं अपने अदबी चेहरे देख रही हूँ, वो हमारे साथ मिल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो कमिश्नर साहब ने तफसील से आपके साथ एक रोड मैप शेयर किया है, ये आप लोगों की सरपरस्ती के बग़ैर ये ख्वाब जो है वो हकीकत में नहीं बदल सकता। तो आज के इस मौके पे जहाँ हमने इस शहर को जो आज एजाज़ यूनेस्को ने दिया, इसको प्रिजर्व करना है, इस प्राइड को अगली नस्ल तक और ज़्यादा मौसर और बेहतर अंदाज से पहुँचाना है, उसके साथ साथ जो हमारा यहाँ सहमा हुआ अदीब है, जो यहाँ फन से जुड़ा मेरे बाईं तरफ बैठा फनकार है, और जो बहुत सारा हमारे इस वक्त जो है वो घरों में बैठे हमारी उन रवायात के अमीन रहे हैं, उन सब को इस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सेदार बनाना है। हमने यूनेस्को के ज़रिए अपने थिएटर्स जो हैं उनको आबाद करना है, हमने अपने जो अदब के वो तहसीन महफ़लें थीं, जो हमारे मुशायरों के साथ जुड़ा लाहौर का रवायती एक कल्चर था, उसको दोबारा से असर नौ ज़िंदा करना है। और इसके साथ साथ जो हुकूमत पंजाब की तरफ से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत की रोशनी में लाहौर के तारीखी उर्दू बाज़ार को हुकूमत पंजाब एक नई शक्ल देने जा रही है, ताकि ये
किताब बीनू के लिए पुरकशिश बनाया जा सके। इसी तरह हजूरी बाग के अंदर हम अवामी और अदबी महफिलें मुनक्कद करके उसका असल हुसन जो है उसको बहाल करने जा रहे हैं। जो लाहौर के अंदर हमारे आर्काइव्स हैं उनको हम ना सिर्फ प्रिजर्व कर रहे हैं बल्कि उनका दीगर जबानों में तर्जमा करके दुनिया को लाहौर के साथ मज़ीद कनेक्ट करके जो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन है इसको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी में बदलने जा रहे हैं। इसके अलावा जो लाहौर की सकाफत को पेश करने के लिए अलहमरा पुकार और दीगर इदारों का जो किरदार है इसको और ज़्यादा फाल बनाने जा रहे हैं। और इसके साथ जो जुड़ा इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ा, एक तो हमें लाहौर के अंदर अब इंटरनेशनल म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस और अलामा इकबाल के साथ उनकी सोच फिकर और अवाम दोस्त जो एक उनकी शायरी के अंदर इनकलाबी और खुददारी के साथ जुड़ा दर्स है उसको इकबाल कॉन्फ्रेंस और दीगर अदबी फोरम्स के ज़रिए उजागर करने जा रहे हैं। मैं आज इस तकरीब के मौके पे ये कहना चाहती हूँ कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इस शहर के साथ जो उनका लगाव है, जो मोहब्बत है और जो अकीदत है उसको वो अमली हिकमत अमली में डालते हुए इस शहर के जो रवायती कदीमी सकाफती मजहबी तहजीबी तमदनी रिश्ते हैं उनको और ज़्यादा आसन अंदाज से निखारने जा रहे हैं। और हुकूमत पंजाब जो है इस शहर को हर लिहाज से मसाली शहर बनाने के लिए पुरज़म है। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये कहना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का चूँकि ये शहर है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लाहौर को उसकी असल हालत में बहाल करने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़्यादत में एक नया शहर रावी रिवर प्रोजेक्ट के तौर पे उसका आगाज़ कर दिया है। और इस शहर की नए शहर की आबादकारी से यानी रूडा एक हमारी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है उसको ये असाइनमेंट दी गई है कि लाहौर के वासियों के लिए जो कदीम सकाफती तहजीबी और तमदनी रिश्तों के अमीन है उनकी रहायशी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके ना सिर्फ इकोनॉमिक मोबिलिटी को इंश्योर करने के लिए बल्कि इस शहर का जो कुदरती हुसन है उसको दुनिया भर में मार्केट करने के लिए इस लाहौर के अंदर जो नया शहर आबाद होने जा रहा है वहाँ लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा फ़न और फनकार का जो रिश्ता है उसको हम मजबूत बनाने जा रहे हैं। और इस मंसूबे के तहत जो इंतहाई जदीद तर्ज का नया शहर आबाद हो के 12 लाख के करीब अफराद को रोज़गार फराहम करने जा रहा है और जो लाहौर एक खसूसी अपने हुसन के हवाले से पहचाना जाता था बदकिस्मती से इस वक्त वो जो जोहड़ में तब्दील हुआ वही दरियाए रावी जो जिस पे हमारे मुख्तलिफ शोरा इकराम ने नज़में लिखी इस पे मुख्तलिफ तरह की अदबी यहाँ पे तसनीफ लिखी गई बदकिस्मती से वो अब एक गंदे नाले में तब्दील हो चुका है। हुकूमत पंजाब की कोशिशों से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अनथक मेहनत से यहाँ हम 46 किलोमीटर लंबी झील बनाने जा रहे हैं जो लाहौर की ना सिर्फ माहौल के अंदर मुस्बत तब्दीली में मावन साबित होगी बल्कि इस अजीम मंसूबे से अहलियाने लाहौर के लिए पानी साफ पीने का जो पानी है उसकी फराहमी यकीनी बनाई जाएगी क्योंकि इससे पानी की सतह भी बुलंद होगी। लाहौरियों के लिए
पानी जो बारिश का लाहौर के अंदर जब भी बारिश हुई आपने देखा कि माजी के अंदर यहाँ हर लाहौर की सड़क जो है वो जोहड़ का एक नक्शा पेश करती रही। तो इस तकलीफ़ से लाहौरियों को निकालने के लिए हुकूमत पंजाब ने बारिश के पानी को ज़खीरा करने के लिए 1 अरब की लागत से 10 अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने का फैसला किया है और इसके साथ साथ जो लाहौर का कुदरती हुसन है इसको दुबाला करने के लिए वज़ीरे आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमत पंजाब 60 लाख दरख्त लगाने जा रही है और ये वो तमाम मुस्बत और हकीकी हिकमत अमली है जिससे ना सिर्फ लाहौर के अंदर रहने वाले लाहौरियों को जहाँ अदब सकाफत और लिटरेचर के साथ जुड़े मौके फराहम होंगे वहाँ उनकी आने वाली नस्ल के लिए एक साफ़ सुथरा माहौल और एक तरक्की याफ्ता शहर जो हमारे आने वाले नस्ल की ज़रूरत है उस तक फराहमी के लिए भी हकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर शहर जो है वो सदियों से तहजीब और सकाफत का गहवारा रहा है और यहाँ से उठने वाली जो सियासी और समाजी तहरीकें हैं उन्होंने हमेशा हमारे सफ़े अव्वल के जो यहाँ बैठे अदीब शायर हैं उनको ना सिर्फ सरपरस्ती करते हुए दुनिया भर में उस आवाज़ को उन्होंने तकवीयत दी और हमेशा हरावल रस्ते दस्ते का किरदार अदा किया। तहरीक पाकिस्तान हो या जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आया लाहौर के अंदर बसने वाला अदीब शायर उसने हमेशा अपना तारीखी किरदार अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क के अवाम के लिए और इस शहर के लिए आसान तरीके से अदा किया। इस शहर की गलियां और दरवाज़े और कूचे जो हैं वो बेशुमार हमारे शायर और अहले कलम की दास्तानों से भरे पड़े हैं और अगर मैं यहाँ उस्ताद सागर सदीकी और उस्ताद दामन का ज़िक्र ना करूं तो आज की ये महफ़िल अधूरी रहती है। हबीब जालब साहब की जो नज़म और गज़ल की सदाएं मैं नहीं जानता इससे कोई कौन वाकफ़ नहीं क्योंकि आज हर कोई सियासतदान अपने मकसद के लिए इसे लहक लहक कर गा रहा है और ये इस बात की दलील है कि उनका कलाम जो है किसी एक दौर किसी एक नस्ल और किसी एक मखसूस सोच के लिए नहीं था। हर कोई उससे मुस्तफीद होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और फिर हम फैज़ अहमद फैज़ जिनके शेर जो हैं हमेशा मज़ामत की आलमगीर अलामत बन के सामने आए हैं आज भारत का किसान भी फैज़ के शेरों को विर्द करता हुआ अपने हकूक़ के लिए आगे बढ़ रहा है। तो लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि आज का दिन जो है हर लिहाज से हमारे लिए ना सिर्फ बाइस फ़ख्र है बल्कि बाइस एज़ाज़ है और लाहौर के जो हमारे मेहमान नवाजी के मशहूर आप सब जो यहाँ मौजूद हैं क्योंकि मेरा भी इस लाहौर के साथ जहाँ सियासत का तो एक कह लें कि प्लेटफॉर्म है ही है लेकिन इस शहर के अंदर मैंने अपने उन दुखी बहन भाइयों को ना सिर्फ सर्व किया बल्कि मेरी ओवरऑल एक सोशल वर्कर के तौर पे आबियारी भी इसी शहर ने की उस सोच की जो मेरे अंदर थी और आज मुझे खुशी है कि डॉक्टर फिरदौस को डॉक्टर फिरदौस मनाने में भी अहले लाहौर का और इस शहर का बहुत अहम किरदार है और मैं आपकी मकरूज़ हूँ और मैं इन अल्फाज के साथ के परवरदिगार आपका मेरा हम सब का हामी व नासर हो और हमें मिलजुल के कायद आज़म के इस पाकिस्तान की बेहतर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।